खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की कारगुजारी धरातल पर नजर आनी चाहिए, न कि कागजी आंकड़ों पर। अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और जिस भी कार्य का दायित्व सौंपा गया है उसे जिम्मेदारी, ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं, ताकि समाज के उस हर वर्ग को लाभ मिले जो कि अभी तक वंचित रहा है। ये बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले किशन कपूर ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि एपीएल परिवार से लेकर एक गरीब परिवार तक जुड़ा हुआ है और गरीबों की सेवा करना ही प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकानों का नियमित से निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है और अधिकारी कर्मचारी भी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें, ताकि आम आदमी को अच्छा राशन मिल सके और उनका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहे। उन्होंने इस अवसर पर लॉन्च की गई ईपीडीएस एचपी ऐप को भी विभागीय अधिकारियों द्वारा डाउनलोड किए जाने को लेकर जांच की और आदेश दिए कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य आपूर्ति निगम के सभी अधिकारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उनका ये लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के आधार पर नियमित सप्लाई सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई गृहिणी सुविधा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उन महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे जिन्होंने उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने डीएफएससी के निर्देश दिए हैं कि इस सप्ताह के भीतर गैस वितरण करने वाली गाड़ियों में स्थायी रूप से लाउडस्पीकर लगाना सुनिश्चित करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को पता चल सके कि गैस वितरण के लिए गाड़ी आई है। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि हर पेट्रोल पंप का नियमित रूप से निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि वहां पर स्वच्छ पेयजल के लिए एक्वागार्ड और शौचालय सुविधा हो, ताकि स्वच्छ वातावरण बना रहे। इस अवसर पर जिला में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। उपायुक्त विवेक भाटिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि बैठक में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर अमल करेंगे तथा प्रत्येक सोमवार को बैठक में उन कार्यों की समीक्षा करेंगे। सस्ता राशन तो हम दे रहे हैं, ठीक है ना जी? आपको पता है पीडीएस में जो लोगों को दाल और चीनी मिलती थी, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 5-5 रुपए प्रति किलो हमने कम कर दिया रेट, ठीक है ना? कांग्रेस महंगाई को लेकर कई बार प्रदर्शन करती है, कई बार थाली और चमचे बजाती है, थाली के साथ चमचे। कांग्रेस के चमचों की थाली तो खाली होगी, कांग्रेस की थाली खाली होगी, पर गरीब की थाली राशन से इस सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने भर दी। सरकार एकत्रित कर रही है, इसमें कुछ आरोप लगे हुए हैं जैसे बीपीएल परिवार है उनको कम किया जा रहा है, गरीबी को खत्म करने के लिए गरीबों को ही वो ये जानकारी आपसे मिलती है, ऐसी कोई है? ठीक है, धन्यवाद। देखो अब तो सप्लाई तो उसका टेंडर निकला था, L1 वो आया था, उसको हो गया, आगे उसको एंटरटेन नहीं करेंगे ना, वो सप्लाई नहीं कर पाएगा हमारी कार। जो अमाउंट और फंड उसके अनुसार सब कुछ होगा, एक्शन लेंगे, फाइन करेंगे उसको, जो भी एक्शन होगा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा।